किया देखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर रियासना आपके साथ है। आज ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी गुस्से में पुलिस हेडक्वार्टर्स पहुंचे थे। वहां उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग की, लेकिन इसके बाद अब जो तस्वीरें सामने आ रही है ये आपके मन को मोह देगी। और ऐसा नजारा कई दिनों बाद देखने को मिला है कि नीतीश कुमार बच्चों की तरफ काफी खुश नजर आ रहे हैं। अब आप सोचेंगे ऐसा क्या हुआ, तो हुआ यूं कि नीतीश कुमार पहुंचे इको पार्क। वहां पहुंचकर जब वो भ्रमण कर रहे थे तो कुछ बच्चे जो है सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे थे। फिर क्या था, नीतीश कुमार ने खुद ही सबको बुला लिया और सबके साथ बड़े प्यार से सेल्फी लेते नजर आए। उसके बाद नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले आप देखिए यह दृश्य। में ही आकर के एक एक चीज आक्रम किया देखा और उसी समय तय किया कि इस तरह से पार्क बनेगा। इसका पहले दो खंड और अब तो तीन खंड हो चुका है, आपको मालूम ही है। सब इंतजाम किया गया सारा, इसमें वृक्षारोपण और फिर पानी का है, जो पहले तो सिर्फ पानी निकलता था और कुछ नहीं था, और ये बिल्कुल सेक्रेटेरिएट के पास। तो उसी समय हम लोगों ने ये तय किया कि इसका बनेगा। और देखिए इसका नामकरण हमने किया राजधानी वाटिका, तो इको पार्क के रूप में जाना जाता है। इको पार्क ही आप समझ रहे हैं कि कितना बढ़िया उसका है। इसी तरह से एक एक चीज विकसित हुआ है और अब कितनी संख्या में लोग आ रहे हैं। सच पूछिए तो पटना में अगर सबसे ज्यादा कहीं जाते हैं लोग तो इसी में आते हैं। सर मोर नहीं देखते हैं, मोर आपका एक था विजन पहले से। अरे मोर का तो है ही, वो भी है, और मोर के लिए जितना ज्यादा हम लोगों ने कर दिया है कि उसके इंतजाम में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितनी संख्या बढ़नी चाहिए उस हिसाब से संख्या उसकी बढ़ी, लेकिन उसके लिए सब तरह का इंतजाम किया हुआ है। अब हम भी देखते हैं, हमारे यहाँ तो मेरे कैंपस में तो कम से कम 5-6 एक साथ रहता था, अब आजकल कभी कभी एक या दो आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यह वीडियो देखने के लिए। आपने देखा कि किस तरीके से नीतीश कुमार जो है बच्चों के साथ घुलते मिलते नजर आए। साथ ही साथ आपने सुना भी कि नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है। हम भी उनसे ऐसे ही रूप की उम्मीद अक्सर करेंगे, हर मोड़ पर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, कॉमेंट भी करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।